मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने दिग्विजय सिंह द्वारा एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने पर पलटवार किया है। गौर ने कहा है कि तीनों सेना के प्रमुख इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। सेना के प्रमुख किसी राजनीति से नहीं जुड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है, जिसे लेकर अब खुद दिग्विजय सिंह के दोस्त पूर्व सीएम बाबूलाल ने दिग्विजय सिंह को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को चुनाव में हार का डर सता रहा है, जिस कारण से वह एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तीनों सेना प्रमुखों ने एयर स्ट्राइक को लेकर बयान दे दिया, तब फिर इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। सेना का कहना ही देश के लिए सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि सेना के प्रमुख किसी पार्टी के नहीं होते हैं। जब वे खुद कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक हुई है, तो फिर इससे बड़ा सबूत क्या होगा। सोल्जर्स कमांड तो सेना ने उनके आतंकियों के जो कैंप है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, उनको ध्वस्त कर दिया। जब इतने बड़े सेना के प्रमुख कुछ साधारण व्यक्ति नहीं कर रहे, तो उससे बड़ा क्या प्रॉब्लम। ये तो एक जेनेवा कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत हमने भी, इंदिरा गांधी जी ने भी, जब बांग्लादेश से हमने पाकिस्तानी सैनिकों को 90,000 पकड़ा था, सागर में रखा था, उनको भी हमने एक साथ करके छोड़ दिया। ये तो अकॉर्डिंग टू लॉ है कि जो भी सैनिक होगा वो जन्म का उसको जीवित छोड़ा जाए, अगर होगा उसको मारा नहीं जाएगा। जो दिए सेना के प्रधान दे रहे हैं, सेना के प्रधान तो किसी पार्टी के नहीं है। एयर मार्शल, थल सैनिक, जल सेना अध्यक्ष देते रहे, उनसे प्रश्न करिए। बाबूलाल गौर ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जो कार्रवाई नरेंद्र मोदी ने की है, वो कार्रवाई कांग्रेस आज तक नहीं कर पाई है। मुंबई हमले में कई लोग मारे गए थे, लेकिन उस दौरान कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को अपनी बात रखने का अधिकार है। दिग्विजय सिंह चुनाव से डर रहे हैं, उनको लगता है कि इसका लाभ बीजेपी और नरेंद्र मोदी को मिलेगा। मित्र शत्रु कोई नहीं होगा, हर एक आप अपनी पार्टी का पक्ष रखता है। उनको इससे ये डर है कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो कार्रवाई की है, वो कांग्रेस ने आज तक नहीं करी। बम्बई के अंदर 26/11 में 82 लोग मारे गए थे, उस समय कोई कार्रवाई नहीं की आतंकवादियों के खिलाफ। ये पहले पर नरेंद्र मोदी है, उन्होंने कहा कि सेना ही कार्रवाई करे, क्यों सेना ही उसका जवाब देगी। नहीं, उनके बात पक्ष करने का अधिकार, उनको रखने का अधिकार है। भारत के हर नागरिक को अपनी बात रखने का, नहीं राजनीति का सवाल नहीं, अपनी बात रखने का अधिकार है। वो चुनाव से डर रहे हैं क्या है? इसका लाभ जो है नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मिले, ये पॉलिटिकल मामला है, मिलेगा क्यों नहीं। हर युद्ध में फायदा मिलता है रूलिंग पार्टी को, और समय पे काम किया और उन्होंने लिमिटेड किया है भाई। उन्होंने आतंकवादियों ने हमको मारा, सेना ने आतंकवादियों को मारा, ये युद्ध नहीं किया हमने। कुल मिलाकर सेना से सबूत मांगकर दिग्विजय ने कांग्रेस को मुसीबत में डाल दिया है, जिसे लेकर अब भाजपा ने मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।